हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम राजपूती पल्लों वाले लहंगे की कटिंग और सिलाई करना सीखेंगे। इस वीडियो में हम इस तरीके का पट्टी वाला लहंगा बनाने वाले हैं, यानी कि इसके नीचे की तरफ मगजी नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, हमें लहंगे की लेंथ करनी है 32 इंच की, उसमें हम 2 इंच प्लस कर देंगे क्योंकि हमें नीचे की तरफ पट्टी भी फोल्ड करनी है। ठीक है, तो जो भी आपके लहंगे की लेंथ हो उसमें 2 या 3 इंच प्लस कर सकते हो आप। अब यहाँ पर हमें 32 इंच का बनाना है, तो मैं यहाँ पर 34 इंच के पल्ले बनाऊंगी और यहाँ पर हम 3 पल्लों का लहंगा बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारा कपड़ा डबल फोल्ड है, हम 34 इंच पर मार्क करेंगे और कपड़े को ऊपर या नीचे की तरफ फोल्ड कर देंगे। हम तीनों पल्ले एक साथ ही कट करना आपको बताएंगे यहाँ पर। ठीक है, ये नीचे की तरफ फोल्ड हो गया है। अब देखिए, हम इसे वापस से यहाँ से पलट कर ऊपर की ओर फोल्ड कर देंगे। इस तरीके से हमारे तीनों पल्ले एक साथ और एक ही नाप के और फटाफट कट हो जाएंगे। इनको आप एक नाप का कर लीजिए और फिर से नाप लीजिए कि बराबर है या नहीं। ये देखिए, 34 इंच पर हमने मार्क किया था, तो हम यहाँ पर 34 इंच के कट कर लेंगे। अब इनको हमें साइड से और दोनों साइड से कट कर लेना है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, और अगर आप सिलाई से रिलेटेड और भी कोई वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये हमने तीनों पल्लों को कट करके अलग अलग कर लिया है, देखिए 1, 2 और ये 3। अब हम नेफे की यानी कि चेन की कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा कपड़ा डबल फोल्ड है, इसे हम ऊपर की ओर फोल्ड करेंगे। लगभग 3.5 या 4 इंच चौड़ी चेन की होनी चाहिए। इसे आप कमर के साइज के हिसाब से कर लीजिए, जो भी आपके कमर का साइज हो उसे 1 इंच ज़्यादा ही लीजिएगा। जैसे कि हमें यहाँ पर 32 इंच की बनानी है, तो हम 33 या 34 इंच की कट करेंगे क्योंकि एक तरफ फोल्डिंग भी होती है। अब देखिए, सारे पल्लों को हमें एक साथ ज्वाइंट करना है, तो यहाँ पर जो किनारी है उस तरफ से हम इन्हें ज्वाइंट करना स्टार्ट करेंगे। जब भी आप पल्लों पर सिलाई लगाएं तो किनारी को आप मार्जिन में ले लीजिएगा, यानी कि उसके सिलाई में ले लीजिएगा, उसके बाहर की ओर सिलाई लगाएं अंदर की ओर। ठीक है, इतना कपड़ा सिलाई में ले कि किनारी अंदर की ओर चली जाए। सारे पल्लों को हमें इसी तरीके से जॉइंट कर देना है, तीनों पल्लों को, और इसे गोल बना ले लहंगे को। उसके बाद देखिए, जब हम इसे गोल बनाएं तो ऊपर की ओर हमें 4 से 5 इंच जगह छोड़ देनी है, वहाँ पर सिलाई नहीं लगानी है। वहाँ से हम ऐसे ही ओपन रखते हैं ताकि लहंगा पहनने में आसानी हो, और बाकी आप पूरी सिलाई लगा लीजिएगा। अब देखिए, ऊपर की ओर जो हमने जगह छोड़ी थी वहाँ से दोनों तरफ हम इसे फोल्ड कर देंगे कपड़े को। अब हम चेन को भी फोल्ड कर लेते हैं एक साइड से, एक साइड तो किनारी है। अब इसे आप इस तरीके से डबल कीजिए और सेंटर बना दीजिए एक, और इसे फिर से फोल्ड करते हुए इसमें एक और सेंटर बना लीजिए। इस तरीके से इसमें 4 कट हो जाएंगे। इसी तरीके के कट हमें लहंगे में भी बना लेने हैं। ठीक है, यहाँ से हमें नीचे की तरफ चेन को रखना है और ऊपर की ओर लहंगे को रखना है। अब जितने बड़े आप प्लेट्स बनाना चाहते हैं उतने बड़े आप पकड़ लीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पर 4 उंगली के बराबर बना रही हूँ, तो मैं इस तरीके से पकड़ लूँगी और कपड़े को अंदर की ओर डालूंगी। यहाँ पर हमारा 3 पल्लों का लहंगा और चेन भी छोटी है, तो काफ़ी अच्छा घेर हो जाएगा इसमें। देखिए, लहंगे का मार्क और चेन का मार्क मिलाना है, और बीच में जो भी कपड़ा बचता है उसे हमें प्लेट डालते हुए कवर कर लेना है। अब हमें बराबर साइज़ के प्लेट बनाने हैं और अंदर की तरफ काफ़ी कपड़ा डाल देना है, ये देखिए कुछ इस तरीके से, क्योंकि हमारा जो कमर का साइज़ है वो कम है और घेर काफ़ी ज़्यादा है इसमें। इस तरीके से आप 2 पल्लों का, 2.5 पल्लों का, 3 पल्लों का या 4 पल्लों का भी बना सकते हो, जितना आपके पास कपड़ा हो या जितना आपको घेर चाहिए। और इसमें बड़े प्लेट्स और छोटे प्लेट्स भी आप बना सकते हो। इसमें प्लेट्स तभी बराबर आएंगे, कपड़ा तभी बराबर आएगा जब लहंगे का मार्क और चेन का मार्क बराबर मिलेगा। ये देखिए, दोनों बराबर मिल रहे हैं। इसी तरीके से हमें पूरे लहंगे में प्लेट्स बना देने हैं, बहुत ही इजीली हो जाएगा ये काम। और सबसे लास्ट काम होता है हमारा इसमें पट्टी फोल्ड करने का, वो भी मैं आपको बहुत ही इजी तरीका बताऊंगी, जिससे कि एक नाप की पट्टी फोल्ड होगी। वरना पट्टी अच्छे से फोल्ड नहीं होती तो लहंगा ऊपर नीचे भी हो जाता है। अब देखिए, हम चेन को यहाँ पर फोल्ड कर देंगे लगभग 1.25 इंच चौड़ी। चेन अच्छे से फोल्ड करने का एक ही तरीका है, पहले आप चेन को फोल्ड कीजिए, उसके बाद लहंगे को हल्का सा खींच लीजिए, सिर्फ लहंगे को। इससे चेन में बेलन नहीं पड़ती है और चीन हमेशा सीधे कपड़े की कटिंग कीजिएगा। इसके ऊपर आप डबल सिलाई लगा दीजिएगा, एक के ऊपर एक, थोड़ी सी ऊपर की ओर। ठीक है, ये देखिए, हमने प्लेट्स अच्छे से बना लिए, सबकी साइज़ बराबर है। अब हमें इसकी पट्टी फोल्ड करनी है, तो जो भी आपके लहंगे की लेंथ हो उस हिसाब से इसे साइड से नाप लीजिए, जो साइड की सिलाई है वहाँ से। देखिए, हमें 32 इंच का बनाना है, तो हमने 32 इंच पर मार्क कर लिया है और पट्टी को हम अंदर की ओर मोड़ देंगे। ठीक है, और फिर से नाप लेना है, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, एकदम अच्छे से नाप लीजिए।
और यहाँ पर हम एक गोल पिन लगा देंगे। ये हमने लगा दी है। अब देखिए दूसरे पल्ले की जो सिलाई है या फिर बीच में से आप इसे नाप लीजिए, जो सिलाई है वहाँ से ही नाप लीजिए। और यहाँ पर भी 32 इंच का करना है हमें, तो 32 इंच पर मार्क करेंगे और पट्टी को अंदर की ओर फोल्ड करते हुए एक ओल पिन लगा देंगे। बराबर नाप के फोल्ड कीजिएगा, छोटा बड़ा बिल्कुल ना रखें। ठीक है, तीनों सिलाई पर हम लगा देंगे। अब देखिए बीच में हमें नाप लेना है पट्टी जो हमारी वो कितनी फोल्ड हुई है। जिसकी यहाँ पर हमारी 2 इंच फोल्ड हो रही है, तो हम पट्टी को अंदर की ओर फोल्ड कर देंगे, 2 इंच टेप से नाप लेंगे और ऑल पिंस लगा देंगे। ये देखिए इस तरीके से एक नाप के बराबर पट्टी फोल्ड होगी। इसे एक बार ही फोल्ड कीजिएगा, डबल फोल्ड अभी नहीं करेंगे। ठीक है, हमने पूरी पट्टी पर ऑल पिंस लगा दिए हैं। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे, तो कपड़े को हम अंदर की ओर फोल्ड करते जाएंगे थोड़ा थोड़ा सा। मम्मी ने यहाँ पर से 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था कपड़ा, जो हमारे लहंगे की लेंथ थी उससे, और काफ़ी अच्छी पट्टी फोल्ड हो गई है इसमें। अगर आप ज़्यादा चौड़ी पट्टी चाहते हैं तो आप ज़्यादा लंबा ले लीजिएगा पल्लू की साइज। अब इसे हम एक नाप का फोल्ड कर देंगे। बहुत ही इजीली हमारा लहंगा बनकर रेडी हो गया है। इसमें जो प्लेट्स है वो भी एक नाप के, वो जो पट्टी है वो भी एक नाप की फोल्ड हुई है। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।